हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में आज से सरकारी वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। बाड़मेर के पेट्रोल पंप मालिकों ने किया फरमान जारी। अवैध बायोडीजल की सप्लाई के विरोध में बाड़मेर के पेट्रोल पंप मालिकों ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें गुरुवार को सरकारी वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं देने का तय किया गया है। पेट्रोल डीजल डीलरों के मुताबिक गुजरात से आने वाले अवैध बायोडीजल से राज्य सरकार को प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में बाड़मेर के 200 पेट्रोल पंप धारकों ने फरमान जारी करते हुए साफ किया है कि सरकारी वाहनों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं की जाएगी। गुजरात से आने वाले अवैध बायोडीजल का खेल अब गहलोत सरकार के लिए बड़ा सवाल बन गया है। बुधवार को बाड़मेर जिले के करीब 200 पेट्रोल पंप धारकों ने ऐलान कर दिया कि गुरुवार से सरकारी वाहनों से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही 25 तारीख से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई आगे के लिए नहीं मंगवाई जाएगी और सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोल पंप मालिकों का आरोप है कि अवैध तरीके से बायोडीजल के काले कारोबार ने पेट्रोल पंप धारकों का धंधा चौपट कर दिया है, जिसका नुकसान राजस्थान की गहलोत सरकार को भी प्रतिदिन उठाना पड़ रहा है। गुजरात से बाड़मेर जिले में लगातार अवैध रूप से आ रहे बायोडीजल को लेकर जिले के पेट्रोल पंप मालिकों ने कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को दो टूक कहा कि अब से सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल नहीं भरवाया जाएगा। जब तक अवैध रूप से आ रहे बायोडीजल पर रोक नहीं लगेगी, सरकारी गाड़ियों में डीजल नहीं भरा जाएगा। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।